हेलो गाइज, तो मैं शिवराज स्वागत करता हूँ आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में बनाने वाले गोबर गैस। लेकिन एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ दिन पहले अपन ने गोबर गैस की एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उस पर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो गाइज, उसी प्रकार से एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। और जो वीडियो बनाई थी पहले, उसमें हमने यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया था, क्योंकि वो लोगों को यूट्यूब पर बेवकूफ बना रहे थे, इसलिए हमने उनको एक्सपोज किया था। लेकिन मैंने कुछ दिन बाद में सोचा कि भाई गोबर गैस किस प्रकार बनाया जाता है, ये जो गोबर गैस होता है ये किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार बनाया जाता है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे मतलब 2-4 दिन वेस्ट किए सोच के, और मैंने लास्ट में गोबर गैस बना ही लिया। गैस मैंने घर पे गोबर गैस बना के देखा था किस प्रकार बनता है, तो गोबर गैस बना लिया है, एकदम अच्छे से बन चुका है और 100% वर्किंग भी रहेगा। हालांकि उतना काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो काम करेगा, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है तो काम थोड़ा ही करेगा, लेकिन 100% वर्किंग है। तो गाइस, ये किस प्रकार बनाया है और इसके अंदर कितनी गैस बना सकते हो आप, इस वीडियो में आगे देख ही लेना आप। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ले ली एक बोतल, देख सकते हो 2 लीटर की बोतल है स्लाइस की, कुछ इस प्रकार की देख सकते हो आप, बड़ी पुरानी है। और इसके साथ हम एक आईपी सेट ले रहे हैं, जो कि आपको 20 रुपये में मार्केट में या मेडिकल पे कहीं भी मिल जाएगा। और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी नमक की, जो कि एक स्पून फुल हम नमक ले लिया। और इसके साथ हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गोबर, तो गोबर ले लिया हमने, देख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा ही लेंगे गोबर। तो गाइस, इसमें लगभग हम 700 ml पानी डाल देंगे, कुछ इस प्रकार से पानी डाल दिया हमने, देख सकते हो गोबर के अंदर। और पानी के डालने के बाद अब इसमें जो हमने नमक लिया था 1 स्पून, उसको अच्छे से डाल देंगे इसके ऊपर। नमक डाल दिया और अब गाइस, इसे लकड़ी या किसी भी चीज़ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स करने के बाद ही अच्छा पेस्ट बन पाएगा। तो गाइस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम पतला घोल बना लेंगे इसका, जो हमारा गोबर है उसका। तो देख सकते हो गाइस, एकदम रेडी हो चुका है। और अब लेंगे हम ये बोतल, देख सकते हो। तो गाइस, अब ये बोतल का कैप है, इसमें हमने एक छेद कर लिया है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे एक छेद कर लिया है। और जो हमारा आई बी सेट है, अब उसे ले लेंगे हम आई बी सेट को, और जो ये छेद किया है इसमें अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो गाइस, ये इसके अंदर की पन्नी निकल चुकी है, इसको हटा देते हैं एक तरफ, और ये आई बी सेट एकदम फिक्स हो चुका है। अब गाइस, कुछ इस आई बी सेट को कुछ इस प्रकार लगाना है कि हमारी जो गैस बनने वाली है वो बिल्कुल भी बाहर ना जा सके। तो गाइस, इसे फुली एयर टाइट कर देंगे फेवी ट्यूब की मदद से। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ग्लू गन से या एमसील से, किसी से भी कर सकते हो। अंदर की तरफ से भी फेवी ट्यूब लगा देंगे इसके अंदर, और यहाँ बाहर से भी अच्छे से फेवी ट्यूब की मदद से चिपका देंगे। और इसमें थोड़ी सी मिट्टी लगा के इसको एयर टाइट कर देंगे, मिट्टी से बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा ये। फेवी ट्यूब मिट्टी के साथ अच्छा रिएक्ट करती है चिपकाने में, तो कुछ इस प्रकार से ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। बहुत ही आसान है ये काम, आप घर पे आसानी से बना सकते हो। तो गाइस, ये हो चुका है हमारा आई बी सेट का काम पूरा। तो गाइस, अब ये बोतल ले ली हमने, तो इस पेस्ट को डालना है बोतल के अंदर, तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ किया है, ऐसे तो जाएगा नहीं ये पेस्ट इसके अंदर। तो इसके लिए हमने एक ऊपर एक कुप्पी नुमा एक ये बनाई है बल्ब की मदद से। और जो ये पेस्ट है गोबर का, इसे डाल देंगे हम इस बोतल के अंदर पूरे को ही, कुछ इस प्रकार से, बड़ी आसानी से बाहर नहीं गिराना है, अच्छे से डाल देना है पूरे पेस्ट को। देख सकते हो, आराम आराम से करना है ये काम, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। तो गाइज, ये देख सकते हो गाइज, हमने बोतल को यहाँ तक भर लिया है गोबर के पेस्ट से, फुल्ली नहीं भरना है इसको, क्योंकि हम बोतल को फुल भर देंगे तो इसके अंदर गैस कहाँ से इकट्ठी होगी। तो गाइज, इसको खाली रखना है। और अब जो बोतल की कैप है, आई बी सेट लगाया हमने इसमें, इसे अच्छे से टाइट कर देंगे, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, और बोतल को थोड़ा सा दबा लेंगे, ताकि इसमें जो गैस बनेगी वो आराम से इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो इसे बोतल को दबा के, और जो हमारा कैप है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, बहुत ही मजबूती के साथ। इसमें से हमारी जो गैस है बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए,
थोड़ी सी भी। तो गाइज ये हो चुका है हमारा काम, लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसे अब लगभग 3-4 दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर गैस इकट्ठा हो जाए, जितनी गैस भर सकती है। तो गाइज लगभग 5 दिन बाद में हमने इसमें, तो अब हमारी जो गैस है वो बनके तैयार हो चुकी है, बोतल बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुकी है, बोतल के अंदर गैस स्टोर हो चुकी है, ज़्यादा नहीं हुई है, बोतल थोड़ी सी पिचक रही है, दब रही है अभी भी। चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं क्या इसमें गैस बनी है या नहीं। तो मैं ये नोजल है तो यहाँ से मैंने गैस बंद कर रखी है अभी। तो गाइस चलो माचिस की मदद से इसे जलाया जाए। तो गाइस मैं वाल्व को खोलता हूँ और देखो गाइस जो बोतल के अंदर गैस है हमारी ये बिल्कुल कम जल रही है, अभी अंदर ज़्यादा गैस नहीं बनी, बिल्कुल कम गैस बन पाई है, देख सकते हो गाइस गैस तो बनी है 100% रियल है, देख सकते हो आप। तो गाइस फिर से जला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें बोतल को थोड़ा सा दबाऊंगा तभी ये जलेगी, क्योंकि जो बोतल के ओवरफुल गैस थी वो तो जल चुकी है। तो गाइस ये फिर से बंद हो चुकी है, तो एक बार और जला के दिखा देता हूँ मैं आपको। अब कि हम बोतल को अच्छे से दबाएंगे ताकि इसके अंदर जो इकट्ठी गैस है वो निकल जाएगी। तो गाइस देख सकते हो गाइस अभी जलाऊँगा मैं, बोतल को प्रेस करता हूँ मैं, ये देखो गाइस बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है हमारी जो गैस है, ज़्यादा नहीं पन भाई, अगर बड़े पैमाने पे किया जाए इस एक्सपेरिमेंट को तो ये अच्छी सी गैस बना लेगी। देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, हमने छोटा सा प्रोडक्ट किया है तो इसमें इतनी गैस बन पाई। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।